पहले कौन सा आता है फर्स्ट नंबर? रीडिंग। बच्चा पैदा हुआ रीडिंग करने लगा, सुनना लिसनिंग, सबसे पहले लिसनिंग, फिर बोलना, स्पीकर, रीडिंग, राइटिंग, फिर रीडिंग। राइटिंग से रीडिंग आती है, राइटिंग पहले लिखना सीखेगा, फिर पढ़ना सीखेगा उसका। बंद है टीचर, टीचर, टीचर। दीदी फिर पबजी खेलना सीखेगा, पबजी खेलना सीखेगा। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज मेरा एग्जाम है, मैं जस्ट अभी सो के उठी हूँ, जस्ट अभी 5:30 बज रहे हैं, रुक जाओ मैं टाइम देखती हूँ, 5:34 करेक्ट हो रहे हैं अभी, और मेरा एग्जाम सुबह 10 बजे है, तो आँख भी नहीं खुल रही है। चलो हाथ मुंह धोते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना दिन, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पहला काम जो मैं आके करती हूँ सोने के उठने के बाद, ये तो मेरा रूम देखो ना मैसा वो रखा है। एक्चुअली ये मेरा रूम नहीं है, ये था माजी डैडी का रूम, लेकिन अभी डैडी है नहीं है घर पे, तो आज के शेड्यूल के हिसाब से अपने डायरी में जो हमने लिखा था कि हम व्लॉग बनाएंगे, हमने डाला नहीं था कल व्लॉग। फोन कनेक्ट हो चुका है मेरा, अभी दिखाते हैं आपको कि कितना सब्सक्राइबर होगा। 11954 सेम सब्सक्राइबर, और ये वीडियो भी थोड़ा सा अपना चला। तो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से 12K करो रे बाबा, क्या करते हैं यार। मुझे लगता है कि सिर्फ जैसे कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा होता है, रिगार्डलेस ऑफ कुछ भी चल रहा होता है, तो वो मेरा फीड में आने लगता है, ऐसा मुझे लगता है। जैसे कि मैं अभी वृंदावन जाने वाली हूँ, मुझे लगता है कि वो ही मेरी फीड में चल रहा है, ठीक है। अभी हरी जी ही मेरे फीड में आ रहे हैं, ठीक है, तो ये तो चलो अच्छी चीज है, आ रहे तो ठीक है। मेरा एग्जाम चल रहा है, उसकी मोटिवेशन मेरी फीड में आ रही है। उसकी डायरी का पहला काम हमने कर दिया है, डायरी को रखते हैं साइड में। पढ़ी रही थी कि माँ जी उठ गए और माँ ने हमें ब्रेकफास्ट दे दिया, ब्रेकफास्ट में है मैगी। हम आ चुके हैं नहा के, अभी बस हम निकल रहे हैं एग्जाम देने के लिए। मैंने सारा अपना पैक कर लिया है कि मुझे क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना है, सब कुछ हम जा रहे हैं रेडी। आज पूरा मैंने ब्लैक पहन रखा है और अभी जाऊंगी एग्जाम देने। प्रिपरेशन तो है, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक इसमें ऐसे थे जो कि लाइक मैंने पढ़े ही नहीं है, क्योंकि मैं अभी पढ़ रही हूँ नॉर्मली, मैंने सिलेबस बुक्स से नहीं पढ़ा था। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसमें लाइक नोवेल से पूछा जाएगा, अब नोवेल तो मैंने पढ़ी ही नहीं है। ये पेपर मेरा एवरेज जाएगा, ऐसे लग रहे होंगे कमेंट सेक्शन में, जल्दी बताओ। ब्रो चल नहीं रहा, कितनी देर लगेगी तेरे को? टाइम तो देख, टाइम देखा है तूने? चल चल चल। 9 ही इज जस्ट लाइक कैमरे में नहीं आना है हमें। हां पूजा करते हैं, won't be long now, you made me write this song, yeah, be safe but don't know how, be far away from town, be talking till we can't no more, you know I like I found you for, track of the time now. Exam deke ghar aa gayi hu, itna badhiya paper aaya, itna saral, main aisa phatu mein panic ho rahi thi ki bhai kaisa jayega exam, कैसा होगा सब कुछ, एक नंबर गया एकदम, समझ रहे हो, मजे आ गए देखे, इतना सरल। मतलब अभी मैं एक फनी चीज बोलूंगी, आज एक चीज आपको बोलना है, जो भी मैंने पढ़ा था उसमें से कुछ भी नहीं आया। लिखा क्या? यही तो सोचो कुछ दे, इसका मतलब ये है 75-80 नंबर का पेपर होता है ये हर बार, ठीक है, 35 नंबर का पेपर आया, कुछ नहीं कहा, यही पेपर है। देखो मैं सबसे पहले जो मैं पेपर पे अटेम्प्ट करती हूँ वो था सेक्शन बी, बड़े बड़े मैं सबसे पहले करती हूँ। सेक्शन बी अटेम्प्ट किया 1-2, मैंने एक क्वेश्चन में 4-4 भरा है पेज, और मैं तो डिस्क्राइब किया क्योंकि मुझे पता है ये 10 नंबर का होता है, हर पेपर में 10 नंबर का देते हैं। फिर सुन तो, अरे पेपर हर बार इतना होता है, ये वाले सेक्शन बी के क्वेश्चन 10 नंबर के होते हैं, ठीक है। और इस बार जब मैंने ये सारे कंप्लीट किए, मैंने कहा चलो मेरे सेक्शन बी के दोनों क्वेश्चन हो गए, इसमें से 2 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। उसके बाद जब मैं इधर पन्ना पलटी तब मैंने ये पढ़ा, ईच क्वेश्चन कैरी 6.5 मार्क, मैंने कहा है जी ये कैसे हो गया, 6.5 नंबर का है ये सेक्शन बी का एक क्वेश्चन, और लिखना चाहिए 200-250 वर्ड में, और हम लिखे आए 400-500, मैं तो बहुत ज्यादा लिखाई। फिर मैंने सेक्शन ए का पढ़ा, सेक्शन ए का सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन और 75-100, मैंने कहा ये क्या, फिर मैंने कहा कि पेपर ओवरऑल कितने का, जब मैंने देखा पेपर 35 मार्क का है, मैंने कहा भाई ये तो कितना सरल दे दिया। मैंने बोला सर से, मैंने मैम से बोला कि मैडम ये कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा अगर मैं कम लिखूंगी, मैडम बोली नहीं नहीं जो लिखा है वही लिखो। साधन कार्य में संदर्भ ग्रंथों की संदर्भों की भूमिका, मैं आपसे पूछ रही हूँ माजी, अनुसाधन कार्य, अनुसंधान कार्य में क्यों खुद किया है ना, बताया रुक तो जा, रुक तो पूरा रुक तो जा, आपकी एक्टिंग कर रही हूँ, तुम चाहे बताए स्किल कितने प्रकार की होती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, करने जा रही हो, बताओ। राइटिंग, लर्निंग, रीडिंग, सबसे पहले कौन सा?
मजा आता है फर्स्ट नंबर रीडिंग. अच्छा बच्चा पैदा हुआ रीडिंग करने लगेगा बता. अरे बच्चा लगा पहलो ताज भटका कोई लॉजिक है चीज का कोई भी. बच्चा पैदा हुआ रीडिंग करने लगेगा. सुनना 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 लिसनिंग. सबसे पहले लिसनिंग फिर बोलना राइटिंग से रीडिंग आती है. राइटिंग पहले लिखना सीखेगा फिर पढ़ना सीखेगा उसका बाद है. टीचर 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 दीदी फिर पबजी खेलना सीखेगा. पबजी खेलना सीखेगा. देने के बाद अभी हमने सोचा कि हम सारा टाइम अभी घर पे ही हूँ तो क्यों नहीं मैं अपने भिंड का कुछ दिखा दूँ आप सब लोग को. तो अभी मैं और मेरा छोटा भाई हम लोग जा रहे हैं गौरी नदी पे. तो आपको थोड़ा एकदम सिनेमैटिक व्यूज और हमारी देखते हैं जो कि हमारे भिंड में है सबसे ज्यादा अच्छी चीज वो है गौरी नदी और हमारा स्ट्रीट फूड. तो अभी हम जाएंगे. मैं रेडी हूँ. स्टे ट्यून्ड टू द व्लॉग. अब एक काम करना है तुझे पता है कौन सा काम. कौन सा काम. जाओ ऊपर से मेरी स्लीपर लेके. नाइस गाइस बड़ा होने का फायदा तो है. कोई भी काम तुम दे सकते हो. पैसे मिल गए हैं. गाड़ी कौन ड्राइव करेगा. गाड़ी मैं ड्राइव करूंगी. गाड़ी तेरी बहन चलाएगी. मैं बड़ी हूँ. गाड़ी मुझे चलाने नहीं मिल रही है क्योंकि माँ जी को लगता है मैं बहुत तेज चलाती हूँ. ना पानी तने मत जाइए जी. तो मैं पटाखे भी पटाखे ना दिया भरोसा नहीं है जाकर. गाइस मैं माँ जी को लगता है कि भाई के बोर्ड चल रहे हैं तो मैं इसको सिर्फ मारना चाहती हूँ. लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी माँ. चलो बाय माँ जी. Track of the time now, the moment is right now. I've been here before, been here before. Feels like you're mine now, no need to pretend how. Cause we like it. It felt like summertime till you were gone. I fell in love with you. And now I can't wait for summertime. It won't be long when you come back. I love you like I do. Love you like I do. Each other in the sand. No time to waste, so take my hand. Track of the time now. The moment is right now. I've been here before. I've been here before. Feels like you're mine now. No need to pretend. Guys, हम आ गए हैं गौरी सरोवर के पास. ये मेरा भाई जो कि नहीं दिखाएगा अपना फेस. अभी हम आ गए हैं. अभी हम सोच रहे हैं कि जो मछली है तो हम कुछ खिला दें. ब्रेड लेने जाएंगे अभी कुछ खिलाएंगे उनको. तो कुछ नहीं है वीडियो बनाने को. बनाना है लेमन थोड़ा बनवाओ तब वीडियो बनाओ. तो कुछ है ही नहीं है बनाने को. अंकल ने सही बोला. कैसे कैसा है. फ्रूटी जैसा है थोड़ा बहुत. फ्रूटी का लिक्विड वर्जन बोल सकते हैं. ढूंढा हर जगह फिर जाके कहीं मेन मार्केट में जाके आपको मिला. हम मछलियों को खिला पाए. हमें ब्रेड ही नहीं मिल रहा भाई. हमने पूरा मार्केट ढूंढ लिया. हमें मिल गया है ब्रेड. अभी हम जाके मछलियों को खिलाएंगे. हाय हाय ट्रैफिक भिंड का. अरे होली आ गई सूर्या. तेरे लिए ले लूं कुछ पिचकारी. यार गाइस मछली नहीं मिल रही. हम तो ब्रेड ले रही वहाँ पे बहुत बड़ी लेकिन वो खा ही नहीं रही. डोंट टेल मी मछली नहीं है. गाय को दे दे एक ब्रेड. गाय को दे दे. हम आए थे मछलियों को खिलाने के लिए और यहाँ पे कोई खा ही नहीं रहे. पता नहीं क्या इशू रही है. चलो सब गाय को दे. गाइस हम आए थे ये हम कर नहीं पाए. तो अभी क्या करें सूर्या बताओ. चलो यार नहीं. चलो व्हाट टाइम इट इज. डिस्को टाइम. इट इज बर्गर टाइम. भाई कितना खर्चा कराएगा मेरा. मैं वो बचाने वाला. मैं तो 50 महीने बन गया. 10 रुपए का कोई बर्गर आता है. वेलकम टू बर्गर लैंड गाइस. ऐसे ही उसने मेरे को अपनी जिंदगी में वेलकम किया. साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे. ये हम नहीं दिखाएंगे गाइस क्योंकि हम नहीं बताएंगे कि हम कितना रुपए का खाते हैं. ऑर्डर दे के हम जा रहे हैं ऊपर. ऊपर बढ़िया व्यू आएगा. पैसे की हर चीज बहुत बढ़िया ही होती है. चलो चलते हैं गाड़ी की चाबी आते हैं. क्या सामने व्यू आ रहा है. चलाएंगे हम गाड़ी. मैं चलाऊंगी भाई. गाड़ी तेरी बहन चलाएगी. गाड़ी की चाबी दे दे. नहीं कर, मैं तो व्यू लेना. मैं व्यू नहीं ले रही.
मैं नहीं रिकॉर्ड करूंगा। कैसे रिकॉर्ड नहीं करेगा गाइस, ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि रिकॉर्ड नहीं करना है इसको, गाड़ी मैं ही चलाऊंगी। अच्छा गाड़ी है किसकी? गाड़ी किसी भी, मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, बता फैसला डन के आ जाना। मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि तू मेरी भाई है। मेरी भाई है, मेरा जेंडर क्यों चेंज कर रही है? व्हाट द फक। अभी हम जा रहे हैं घर, आज का ट्रिप यहीं पे खत्म। गाइस अभी हम जाके सिर्फ एक ही चीज करने वाले हैं, घर पे जाके रील्स देखेंगे। नहीं नहीं नहीं, रील्स तो देखेंगे, रील्स तो प्रायोरिटी है ही। हम जाके सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे क्योंकि 6 तारीख को हमारा है लास्ट एग्जाम। घर पहुंच गए, पहुंचने वाले हैं, बस अब हमें ब्लॉग बंद करना पड़ेगा क्योंकि बोलने वाले हैं। घर पे वापस, आज का दिन काफी बढ़िया था, सो आई होप यू गाइस एंजॉयड। अब मैं कुछ ज्यादा नहीं करूंगी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करूंगी किताबों से क्योंकि मेरा पेपर है 6 तारीख। शायद मेरे 4 चैप्टर आएंगे तो मैं एक पढ़ लूंगी मैं आज, बाकी 3 मैं कल ही पढ़ूंगी और टॉप कर दूंगी। अगर ब्लॉग पसंद आए गाइस तो जल्दी से क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करके प्लीज बताना कि कैसा लगा आपको ये ब्लॉग। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, ख्याल रखो, बाय बाय। Gassiyan pindaya re jatt, gassiyan pindaya re jatt।